लास्ट वीडियो पे देखा था हमने कि साइकोट फंक्शन यूज़ करके वैल्यू इंक्रीज़ किया था एनलॉग वैल्यू, और डिक्रीज़ किया था वैल्यू डिक्रीज फंक्शन यूज़ करके। इस वीडियो पे हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे और हम चाहेंगे कि एनलॉग वैल्यू कंपेयर करे और मैसेज आ जाए, तो वो वर्क हम लोग एक इवेंट क्रिएट करके करेंगे। इवेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग इसमें आते हैं, और इवेंट्स में आप देखिएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट अपना सिलेक्टेड है, वेरिएबल टैग्स हम लोगों ने बनाया हुआ है, एनलॉग टैग वन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इवेंट के लिए सेटअप पे आना होगा, सेटअप आइकन पे आप देखिए अलार्म पैरामीटर्स स्क्रीन प्रोफाइल्स डिवाइसेस और इवेंट्स, तो ये इवेंट्स है और यहाँ पर ये भी इवेंट क्रिएट नहीं है, हम लोग इवेंट क्रिएट करेंगे। तो इवेंट का नाम दे देते हैं चेक वैल्यू, चेक वैल्यू मैंने एक नाम दे दिया है, ये वैल्यू चेक करेगा हम लोगों का, क्लस्टर वन है और इसे हमें ट्रिगर करना है जब एनलॉग वैल्यू एक कंपेयर करते हैं तो पेस्ट करते हैं एनलॉग वैल्यू, जो टैग है एनलॉग टैग वन इज ग्रेटर देन, सपोज कीजिए मैं 5 कर देता हूँ, तो ये मेरा कंडीशन है ट्रिगर करने का कि एनलॉग, ये देखिए यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं एनलॉग टैग वन इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रिगर कंडीशन मैंने सेट किया हुआ है। और एक्शन में मैं यहाँ पर मैं मैसेज चाह रहा था वहाँ पर, तो मैसेज फंक्शन यूज़ करते हैं। मैसेज फंक्शन यूज़ करने का एक बेस्ट तरीका है कि हम लोग फंक्शंस में आ जाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट फंक्शंस में देखते हैं मैसेज, ये मैसेज फंक्शन है और ये मैसेज टाइटल प्रॉम्प्ट और मोड है, इसको हमें कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर इसको डिलीट भी कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने मैसेज का सिंटेक्स कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम इवेंट लिख रहे थे और एक्शन पे इसको पेस्ट करते हैं। तो मैसेज टाइटल प्रॉम्प्ट और मोड, तो मैसेज में जो टाइटल पार्ट है इसको मैं लिखना होता है हम लोगों को, इस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेटस ऑफ एनलॉग वैल्यू, ये मैसेज का टाइटल हो गया। और प्रॉम्प्ट में जो मैसेज डिस्प्ले करना है तो वैल्यू एक्सीड्स 5 ऐसा लिख देते हैं। और मोड पे हम मुझे लिखना होगा 0, 1, 16, 32। अगर मैं चाहता हूँ कि खाली ओके बटन आए मैसेज के साथ में तो हमें 0 लिखना होगा और 1 लिखना होगा अगर ओके और कैंसिल बटन मैसेज के साथ में चाहते हैं। फिलहाल ये मैसेज खाली इंफॉर्मेशन है इसलिए हमें 64 लिखूंगा मोड पे, 64 मैसेज है, इसमें एक इंफॉर्मेशन आइकन आएगा अलॉन्ग विद द मैसेज। तो ये हम लोगों ने मैसेज का लिख दिया हुआ है एक्शन मैसेज, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इधर आना होगा प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को सेटअप विजार्ड चलाना होगा क्योंकि इवेंट क्रिएट करने पर हम लोगों को इवेंट्स इनेबल करना होगा, और इवेंट इनेबल करने के लिए सेटअप विजार्ड में हमें कस्टम सेटअप में आना होगा, कस्टम सेटअप में आके ही इवेंट इनेबल हो पाएगा। रिपोर्ट सर्वर और ये ऊपर ट्रेंड सर्वर है, नेक्स्ट सीपीयू पे भी नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए इवेंट सेटअप आ गया है और चेक वैल्यू और जो है इसको हम लोग को चेक करना होगा, ये इवेंट हमारा ऑन है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो अभी हम लोग इसको कंपाइल कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, और इसको अप रन करते हैं।
ये प्रोजेक्ट अब रन हो गया है और यहाँ लॉग की वैल्यू शो कर रहा है, और इसको मैं वैल्यू डिक्रीज़ करता हूँ तो साइक्लोड फंक्शन से डिक्रीज़ हो रहा है। हम लोग ने इवेंट क्रिएट किया हुआ है, जब ये वैल्यू 5 से एक्सीड करेगा तो अभी इसको कम हो जाने देते हैं वैल्यू को। वैल्यू कम हो गया, वैल्यू इंक्रीज करते हैं और इवेंट इनेबल है तो 5 के ऊपर ही मैसेज आ जाएगा। ये देखिए मैसेज आ गया है, स्टेटस ऑफ अनलॉक वैल्यू हम लोग ने लिखा हुआ था टाइटल पे, वो यहाँ लिखा हुआ है, और वैल्यू एक्सीड्स 5, ये अपना प्रॉम्प्ट मैसेज है, वैल्यू एक्सीड्स 5 ये यहाँ दिख रहा है, और ओके बटन आ रहा है विद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम लोग ने एक इवेंट क्रिएट किया हुआ है और इवेंट से ये मैसेज जनरेट किया है। तो इस प्रकार से हम लोग इवेंट क्रिएट कर सकते हैं।